बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैसाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। वहीं इस साल ये तिथि आज यानी गुरुवार 23 मई को पड़ी है। मान्यताओं के अनुसार बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ऐसे में इस खास दिन को बुद्ध जयंती भी कहा जाता है। तो आइए भगवान बुद्ध से जुड़ी कुछ बातों को जानते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में भगवान बुद्ध को जाना जाता है और इन्हें भगवान विष्णु के नवे अवतार के रूप में भी माना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हिंदू धर्म के अनुसार वैसाख शुक्ल पूर्णिमा भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव का दिन तो है ही, इस दिन गौतम बुद्ध की जयंती और निर्वाण दिवस दोनों ही होता है। जी हाँ, इसी दिन गौतम बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। बात करें भगवान गौतम बुद्ध के जन्म की, तो ईसा से 563 साल पहले कपिल वस्तु की महारानी महामाया देवी के यहाँ नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। पिता का नाम शुद्धोदन था। आपको बताएं, बुद्ध के जन्म के बाद एक भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोदन से कहा था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया तो इसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता और इसकी ख्याति संसार में कायम रहेगी। आपको बताएं, बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही माँ का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। इसके अलावा कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, यहाँ तक कि रथ हांकने में भी कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता। बचपन से ही सिद्धार्थ के मन में करुणा भरी थी। उनसे किसी भी प्राणी का दुख नहीं देखा जाता था। यह बात इन उदाहरणों से स्पष्ट भी होती है कि घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता था तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी हार जाते। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना, किसी का दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता था। इसके अलावा आपको बताएं, शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में विवाह दंडपाड़ी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए, यानी सारी मनोरंजन की सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए, पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। विषयों में उनका मन फंसा नहीं रह सका और एक रात अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को देख उनके मस्तक पर हाथ रखा और धीरे से महल से बाहर निकलकर घोड़े पर सवार हो गए और रातों रात वे 30 योजन दूर अमोन नदी के तट, जो कि गोरखपुर के पास पड़ती थी, वहां जा पहुंचे और अपने राजसी वस्त्र उतार कर अपने केस काट कर खुद को संन्यस्त कर दिया और जीवन पर्यंत धम्म का प्रचार करते रहे। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणावान थे। एक बार क्या हुआ, सिद्धार्थ को जंगल में किसी शिकारी द्वारा तीर से घायल हंस मिला तो उन्होंने उसे उठाकर तीर निकाला और उसे पानी पिलाया। उसी समय सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त वहां आए और कहने लगे कि यह शिकार मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस देने से मना कर दिया और कहा कि तुम तो इस हंस को मार रहे थे, मैंने इसे बचाया है, अब तुम ही बताओ कि इस पर मारने वाले का हक होना चाहिए कि बचाने वाले का। देवदत्त ने सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोदन से इस बात की शिकायत की। शुद्धोदन ने सिद्धार्थ से कहा कि यह हंस तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे देते,
आखिर तीर तो उसी ने चलाया था। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी यह तो बताइए कि आकाश में उड़ने वाले इस बेकसूर हंस पर तीर चलाने का ही उसे क्या अधिकार था? हंस ने देवदत्त का क्या बिगाड़ा था? फिर उसने इस पर तीर क्यों चलाया? क्यों उसने इसे घायल किया? मुझे इस प्राणी का दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने तीर निकालकर इसकी सेवा की, इसके प्राण बचाए। हक तो इस पर मेरा ही होना चाहिए। राजा सुद्धोधन को सिद्धार्थ की बात जच गई। उन्होंने कहा, ठीक है तुम्हारा कहना, मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा है, इस पर तुम्हारा ही हक है। तो इस वाक्य से आप पता चलता है कि सिद्धार्थ कितने ज्यादा करुणावान थे। और आपको बताएं, सुजाता नाम की एक महिला ने वट वृक्ष से मन्नत मांगी थी कि मुझको यदि पुत्र हुआ तो खीर का भोग लगाऊंगी। उसकी मन्नत पूरी हुई तो वह सोने की थाल में गाय के दूध की खीर लेकर वट वृक्ष के पास पहुंची और देखा कि सिद्धार्थ उस वट के नीचे बैठे तपस्या कर रहे हैं। सुजाता ने इसे अपना भाग्य समझा और सोचा, वट देवता साक्षात हैं। तो सुजाता ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है, यदि तुम भी किसी मनोकामना से यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। और आपको बताएं, वैसाखी पूर्णिमा के दिन यानी बुद्ध के जन्म और बोधि प्राप्ति वाले दिन ही भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी देह छोड़ दी। देह छोड़ने के पूर्व उनके अंतिम वचन थे, अपदीपो भव सम्मा सती, यानी अपने दिए खुद बनो, स्मरण करो कि तुम भी एक बुद्ध हो। इसलिए हिंदुओं के लिए वैसाख पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध की कुछ शिक्षाएं हमें जीवन में जरूर उतारनी चाहिए। गौतम बुद्ध के अनुसार आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती है। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर ना रहें। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है।